चीनी वालों ने तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा अर्सा पहले बहुत की है ना, तो इसलिए उनका फिर राइट बनता है, वो कहते हैं जी ठीक है कमाते जाओ। और फिर हमारी कहीं ना कहीं अदालत बीच में आ जाती है, वो वहाँ जब बात पहुँच जाती है फिर वो मिल्क मालकान को भी मौका मिल जाता है कि जी अभी तक तो मसला अदालत में है तो अब हमें आप ये रोके ना कि हम ये इस कीमत पे देंगे। इसलिए जब तक अदालत में वो मामला चल रहा है, अब पता नहीं ये अदालतों में यही लेके जा रहे होते हैं मामला, मुझे तो लगता है ये जो चीनी के वो मालकान हैं उसके फैक्ट्रीज के वही मिलों के लेके जा रहे होते होंगे कि ताकि वो उनको और ज़्यादा कुशन मिल जाए। असल बात नहीं बता रही ये कि किसके कहने पे इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी। वो राणा साहब को शायद पता होगा कि वो जब आखिरी दिनों में मुलाकातें कर रहे थे ना, तो एक मुलाकात उनकी हमारे से भी हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा यार मैं इन्होंने कहा कि 500 मिलियन दी चीनी तो एक्सपोर्ट करो ना, यानी चीनी पे ही है क्योंकि कुछ तो जर मुआवजा आए आपके खजाने में। तो वो तो आपको पता है जब उन्होंने कहा तो उसके बाद फिर किसमें जरूरत थी कि इनकार करता। चले जितनी भी इन्होंने कर दी इनकी मेहरबानी के 500 मिलियन की नहीं कम कर दी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हर दौर का अलमिया है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हमारे हैं ये सारे हैं ही वही लोग। यहाँ आपको पता है कि आटे का बहरान क्यों पैदा हो जाता है, गंदम आती है सपोर्ट प्राइस पे और वो बगैर पीसे हुए वो मतलब उसके फैक्ट्री के नाम पे आती है और वहीं से वो बिक जाती है, वो अपना मुनाफा कमा के घर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लिटरली मसाइल इतने ज्यादा हैं इस कौम के कि ये तो मसला लगता ही नहीं है ना। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि महंगाई बहुत कम हो गई इसके दौर में जब पीडीएफ की हुकूमत आई, वरना जो उससे पहले महंगाई हुआ करती थी वो तो बर्बाद किए हुए थी हमें। तो ये एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब निगरान दौर में हमें फिर लगना शुरू हो गया कि शायद को महंगाई होना शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले 16 माह बड़ा पुरसकून रहा है इस मुल्क में, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि वो जो हमें चीजें बहुत ज्यादा महंगी लगती थी वो लगना खत्म हो गई। अब बिजली के बिलों में आपको अब वो भी जो लोग करके गए हैं वो भी एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही वो इतना है। दिन रात हमारे गम में घुल रहे हैं बेचारे, परेशान हुए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं पागलों की तरह, उनका दिल करता है कि दीवारों को टकरे मारे क्योंकि आवाम बड़ी मुश्किल में है और उनसे ये बर्दाश्त होता ही नहीं है। वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि एक दफा फिर उन्होंने आना है, आपकी खिदमत करनी है और फिर यकीनन उनको सिला तो मिलना चाहिए ना इस खिदमत का। तो ये सिले हैं छोटे छोटे, आप लोग पता नहीं क्यों इस पे नाराज हो जाते हैं। सही है फैसल साहब, फैसल साहब ऐसी खिदमत के आगे तो फिर हमें हाथ ही जोड़ देने चाहिए, हमें ऐसी खिदमत नहीं चाहिए। फैसल साहब अब ये बरामद करना मसला है, जखीरा अंदोजी है जाहिर है, जिस तरह स्मगलिंग की बात आमिर साहब ने भी की, आपके ख्याल में माहरीन तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो अंदाज़ा नहीं हुआ खपत क्या है जखीरा क्या है, बरामद करने से पहले वो अदाद शुमार दुरुस्त नहीं थे, अगर वो अदाद शुमार दुरुस्त तरीके से रखे जाते तो ये वाली किल्लत ना होती जिससे चीनी जाहिर है। लेकिन वो जो माफियाज की हम बार बार बात करते हैं, जो जखीरा अंदोजी करते हैं, जो इस फायदा इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, आपके ख्याल में क्या वजह है कीमत बढ़ने की फैसल? पकड़ना किसने, पकड़ने वाले तो खुद ये काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल यही इल्जाम इमरान खान की हुकूमत पे लगे थे। 1920 का फर्क नहीं था, जो आमिर साहब ने भी कहा याज साहब ने भी कहा, बिल्कुल यही इल्जाम जो है वो नून लीग की हुकूमत पे भी लग रहे हैं और गालिब तरीन इम्कान है कि यही इल्जाम जो है वो निगरान हुकूमत पे भी लगेंगे इनके जाने के बाद। इन्होंने भी यही कहा, बहुत अच्छी दिहाड़ी है ना, बिल्कुल बगैर साइन के पैसे आते हैं ना, वो अफसर के लिए बड़े ताकतवर होते हैं, साइन ही नहीं करने सीधे सीधे पैसे पकड़ लो। बात यह है कि इसहाक डार साहब की नाहली की और तकब्बुर की कीमत इज्तमाही तौर पे तो पूरी कौम ने अदा की है, लेकिन इनफरादी तौर पे सबसे ज़्यादा इनके तकब्बुर और नाहली की कीमत नवाज शरीफ साहब ने अदा की और आने वाले दिनों में भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर यही है कि वो अगर उनको अपनी सियासत अजीज़ है तो कम से कम ये काम करें कि वो इसहाक डार साहब से कम सियासी तौर पे जो है वो जान छुड़ा लें, लेकिन इसका भी कोई इम्कान नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाती है तो आइंदा वजीर ख़जाना यही इसहाक डार साहब होंगे, ठीक हो सकता है वजीर आजम भी हो जाए। निगरान वजीर आजम लाने की तो पूरी कोशिश की गई। इस वक्त आपका सवाल यह है कि जो कीमतें हैं इस लम्हे जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं।
अगले इससे खतरनाक बात यह है कि जितनी भी कीमतें चीज़ों की आउट ऑफ कंट्रोल है, उन सबकी कीमतों में मज़ीद जो है वो इजाफा होने जा रहा है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दूध है, सबकी कीमतों में फिर क्या होगा इस मुल्क के अंदर। आज की तारीख में लोगों की समझ में, सिर्फ कराची के अंदर पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि लाखों लोगों ने अपने बिजली के बिल अदा नहीं किए। ऐसे लोग और चीज़ों से परेशान होते थे, दाल की वजह से, गोश्त की वजह से, दूध की वजह से, लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं किए। ये पहला मौका है लाखों की तादाद में। अगर बाबडा के वो निकाला जाए डेटा, तो यकीनी तौर पे वहाँ भी यही सूरत हाल होगी, शायद तादाद ज़्यादा हो जी। तो इन लाखों लोगों के साथ अब क्या होगा, इन सबकी बिजली काट दी जाएगी जी सर, बिल्कुल बिल नहीं अदा करेंगे तो कटेगा, कट जाएंगे। तो फिर बिजली जब लाखों लोगों की सिर्फ कराची में कटेगी, यही सूरत हाल कमोबेश पंजाब में भी होगी, यही केपीके में भी होगी, पूरे मुल्क में। जब इस मुल्क में अच्छा आज अदा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कल उनकी आमदनी बढ़ जाएगी तो उन्हें बिल अदा कर देने, कल भी अदा नहीं कर सकते। सही। तो इस मुल्क में क्या करोड़ों लोगों की बिजली कटने जा रही है? इस मुल्क में कितना खतरनाक इस वक्त अनारकी इंतजार जो नजर आ रहा है, कोई तवज्जो दे, वो करे। फिर नई नई असलाहत कौम को मालूम चल जाती है, ये कैपेसिटी पेमेंट जो है तो पहली होगी लेकिन जबान जद आम नहीं थी, ये भी अब लोगों को नई मालूम चल गई, इसकी भी लोग पेमेंट करते हैं। सर आप समझते नहीं हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, ये सब मिलकर आपको एजुकेट कर रहे हैं, बेसिकली नए नए अल्फाज तलफ्फुज आपको बता रहे हैं। दुआ बस ये जो सूरत हाल है ना कि एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने के बाद जो इस मुल्क में होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक होगा। तो बेहतर ये होगा कि तबका इशराफिया को एहतियात करनी चाहिए, गैर जरूरी तबसरों से भी गरेज करें। जी आमिर साहब। मैं यही कह रहा था, मैं कहा आज क्यों दुम पे पांव आया हुआ है कि आज माफिया पे आवाज बड़ी स्लो है। कोई अच्छा नहीं, ये कोई टेक्निकल शायद इशू है आपका भी, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ दुआ, मैं बता जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, जी जी दें दें, यही तो चाह रहा था, मेरी आवाज चाहिए थी। ये सिर्फ मेरी आवाज स्लो नहीं है, जो आदमी महंगाई से परेशान है, चीनी का किस्सा है, और उसके बाद किस तरह से लो गई है। नहीं, और, नहीं, बहुत अच्छी आपने और आवाज ताकतवर किसकी है, तबका इशराफिया की आवाज वैसी ताकतवर है, इसको महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है जी, जवाद फैज़ साहब आपका वैसे ताल्लुक तबका इशराफिया से है या हम जैसे मिडिल क्लास से है? जवाद फैज़ साहब, जवाद फैज़ साहब सवाल भी मैं रख देती हूँ, नवीद कमर साहब कह रहे हैं हमें मेरिट पर देखना चाहिए, चीनी बरामद करने का जो फैसला था वो दुरुस्त था या नहीं, तो इस चक्कर में ये पहले इनको देखना चाहिए था ना, फैसला करने से पहले कि फैसला मेरिट पर हो रहा है या नहीं। नहीं, मेरिट पे तो देखना चाहिए और हर एक को देखना चाहिए मेरिट, तो अभी याज खान